दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। गए द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लीड कास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाई जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको वो अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना ख़तरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फिलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ़ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल क्रिश्तन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आर्या है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है तो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रम्य से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि तो वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राबी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गांव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गांव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी खराब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गाँव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के ख़िलाफ़ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वही आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसी भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पे जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजहें होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों समस्तान हो चुका है और उस गाँव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको वो अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल क्रिश्चन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आ रिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब ही है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वो आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गाँव दोस्तों शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज़ ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बड़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय नीलसन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो कर ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आ रिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बोरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकेन, अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको वो अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फिलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आर्या है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब ही है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुज़रता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गाँव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाई होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फिल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय नीलसन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएं शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल क्रिश्चन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आ है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन सारकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता वही आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ही सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवान के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गाँव दोस्तों शमसान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज़ ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बड़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की का एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको वो अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फिलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक ग्रीस गोपाल कृष्ण का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के ख़िलाफ़ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गांव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएं मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों सेमसान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूटूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकेन, अदुकलम नरेन सनी पियान जियज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको वो अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आ रहा है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब ही है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वो आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवान के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाई होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गाँव दोस्तों शमसान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो फिर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय नील्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो कर ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बोरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बड़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूटूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लीड क्राफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकेन, अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फिलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आर्या है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गांव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकेन, अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन सारकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता वही आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ही सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गाँव दोस्तों शमसान हो चुका है और इस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बड़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ़ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गांव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फिल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूटूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमणियम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वो आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को खत्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवान के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाई होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज़ ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आरिया को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय नीलसन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो कर ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल क्रिश्चन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बोरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत प्रेतात्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवान के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगे अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आर्या है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्ट कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के ख़िलाफ़ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वो आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गांव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय नीलसन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन सारकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता वही आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ही सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवान के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गाँव दोस्तों शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बड़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आरिया को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना ख़तरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ़ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्ण का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के ख़िलाफ़ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गांव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएं मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फिल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूटूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी रेटिंग 10 आउट ऑफ 5.4 की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राबी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वो आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवान के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाई होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बड़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लीड लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो कर ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल क्रिश्चन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राबी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत प्रेतात्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पे जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बड़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूटूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो कर ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आर्या है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राबी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुज़रता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गांव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएं मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज़ ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आरिया को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लीड लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन सारकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता वही आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ही सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवान के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाई होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गाँव दोस्तों शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज खत्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बड़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो कर ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल क्रिश्चन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पर आरिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रम्यन से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन सवार करके कर चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयाव सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोग को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों सेमसान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज़ ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो कभी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूटूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लीड क्राफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आ है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राबी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी खराब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वो आता है और लोगों को यह भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाई होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फिल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लीड लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकेन, अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय नील्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो कर ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक ग्रीस गोपाल कृष्ण का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आ रिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राबी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बोरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्कट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ही सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसान ही थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पे जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवान के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से शमसान हो चुका है और इस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो पर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज बहुत ही बड़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आर्या को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पांस जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ की लिडकाफ्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकेन, अदुकलम नरेन सनी पियान जियोर्ज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आ रिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता है वहीं आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गांव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसान ही थे और वो लोग भी इंसान ही है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पे जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वो हवन की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फ़िल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाई होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गांव दोस्तों से शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो कभी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए दोस्तों एक्टर आरिया को आप सभी लोगों ने बहुत सारी कमाल की फ़िल्मों के अंदर तो देखा ही होगा लेकिन आज हम यहाँ पर इनकी कोई मूवी के बारे में नहीं बल्कि कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम दी विलेज है आप में से बहुत सारे लोग इस शानदार सीरीज़ को हिंदी के अंदर भी देखना चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सीरीज़ है वो हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में साथ ही में इसका हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे द विलेज एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जिसकी आई एम डी बी रेटिंग टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट फोर की है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर पचास प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक भी किया हुआ है सीरीज़ के अंदर थ्रिल और हॉरर हमें देखने को मिलता है लेकिन ये जिस तरह की आप हॉरर फिल्म समझ रहे हैं उस तरह की है नहीं थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पर कहानी हमें देखने को मिलती है इसे दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पसंद किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स जो है इसे मिला हुआ है इस सीरीज़ के लीड लिडकास्ट एक्टर आर्या है लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमें दिव्या पिल्लाए जोहन कोकैन अदुकलम नरेन सनी पियान जियज नारायण आर्या पूजा रामचंद्रन अभिषेक कुमार मुथु कुमार जया प्रकाश विजय निल्सन केक शेखर ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे इस सीरीज के अंदर मात्र छः ही एपिसोड है लेकिन छः एपिसोड इतने दमदार है कि आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगे ये पूरी तरह से दोस्तों आपको एंड तक बांध लेंगे क्योंकि इसका पहला एपिसोड इतना खतरनाक है कि जब हम इसे देखने बैठते हैं तो हम जो है पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं और हम इसे पूरा करके ख़त्म छो करके ही छोड़ते हैं मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले देखा था इसके प्रोड्यूसर स्टूडियो शक्ति प्रोडक्शन है लेकिन फ़िलहाल इसके राइट्स प्राइम के पास है आप इस सीरीज़ को जो है वो हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ दोस्तों आप सभी को जो है वो ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी एमज़ोन प्राइम वीडियो पर जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर न है सिर्फ हिंदी के अंदर लेकिन इसको अलग अलग भाषा के अंदर डबेट कराया गया है जिसमें तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसी भाषाएँ शामिल रही थी इस सीरीज़ के अंदर म्यूजिक गिरीश गोपाल कृष्णन का देखने को मिलेगा जो कि बढ़िया है सीरीज़ के अंदर थ्रिल काफ़ी तगड़ा है हॉरर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है इस सीरीज़ की लीड कास्ट यहाँ पे आ रिया है जो कि डॉक्टर गौतम के रोल में है और दिव्या पिल्ला यहाँ पर नेहा सुब्रमण्यम के रोल में है जो कि गौतम की वाइफ़ होती है इसके अलावा गौतम की एक बेटी भी है जिसका नाम माया होता है कहानी बेहद ही सिंपल है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत होती है फिल्म की हीरो डॉक्टर गौतम सुब्रमण्यम से ही अब उनकी पति उनकी जो पत्नी है नेहा और उनकी बेटी माया एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर उनकी कार अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसका नाम कटियाल है और सुनसान गांव होता है और बहुत ज़्यादा ख़राबी है अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं और मदद के लिए बेताब गौतम गांव में प्रवेश करता है लेकिन एक बुरे सपने में फंस जाता है और एक बार शांतिपूर्ण समुदाय खून के प्यासे और म्यूटेट से भर गया था क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव से जो गुजरता है कभी वापस नहीं आता है लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में फिल्म का जो हीरो होता है उसी गाँव से अपनी गाड़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसकी गाड़ी दोस्तों जो ख़राब हो जाती है गाड़ी ख़राब होने की वजह से वो मदद के लिए जाता है लेकिन उसकी जो पत्नी है और बेटी उनको वहीं छोड़ता है कार के अंदर कि वो यहाँ पर रुके और अपने परिवार को बढ़ते आतंक से बचाने के लिए वो संकल्प लेता है और गौतम जानता है कि उन्हें कटियाल से भगाना होगा लेकिन गांव में गहरा रहस्य छिपा होता है और जैसे दोस्तों गौतम जवाब खोजता है वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी करता है जो कि भयानक जीवों से कहीं आगे जाती है और उन्हें जल्दी दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो म्यूटेंट है वो गांव में अशांत अतीत से जुड़े होते हैं और एक शक्तिशाली निगम इस भयानक घटनाओं के पीछे है और समय के खिलाफ दौड़ में गौतम न केवल अपने परिवार को म्यूटेंट के चुंगल से बचाने का तरीका खोजता है बल्कि कटियाल के दिल में छिपी जो भयावह सच्चाई होती है उनको उजागर करता है क्योंकि लोगों को लगता था कि उस गाँव के अंदर जो जाता वही आता है और लोगों को ये भी लगता है कि इस गाँव के अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद है ऐसे भूत प्रेत आत्माएँ मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को ख़त्म कर देती है लेकिन सच्चाई उनकी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है लेकिन फिर भी जो फिल्म का हीरो है इन सच्चाई को जान लेता है और लोगों के सामने रखता है और बताता है कि गाँव के अंदर ये सभी लोग ऐसे हवन बने हैं तो इसके पीछे की वजह हम इंसानी थे और वो लोग भी इंसानी है कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है लेकिन वो ऐसे बन चुके हैं इसकी वजह दोस्तों साइंस होता है इसके अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि वो लोग जो है कुछ जो प्रयोग कर रहे होते हैं लेकिन उनका ये प्रयोग विफल हो जाता है बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं अचानक से बदल जाते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम नीली हो जाती है और वे हवान की तरह बन जाते हैं इसके पीछे की बहुत सारी वजह होगी फिल्म के अंदर आप देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा बाकी स्टोरी यही रहती है कि कुछ लोग वहाँ पर है जो कि अब एक अलग किस्म के इंसान के अंदर बदल गए हैं जो कि हवा के अंदर बदल गए हैं और वो भी दोस्तों इनके ऊपर और वहाँ की जो हवाएं होती है इसके अंदर कुछ ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन गए होते हैं अब वो गाँव दोस्तों शमशान हो चुका है और उस गांव के अंदर कोई नहीं जाता है जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है लेकिन फिल्म का हीरो जाता है और वापस आता है तो ये दोस्तों थोड़ा बढ़िया बात था क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िल्म का हीरो अगर नहीं रहा तो फिर सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट है कुछ टाइम पर आपको लगेगा कि बस अब सीरीज़ ख़त्म है हीरो मर जाएगा लेकिन हीरो फिर भी नहीं मचता है और दोस्तों जो है आगे बढ़ती है कहानी और कहानी के अंदर बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सीरीज़ बहुत ही बढ़ी बढ़िया है और इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको निराश नहीं करेंगी Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कर दिया जाए